नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज एक महीना पूरा हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सीएम ने 100 दिनों का एजेंडा तय कर लिया था, जिससे कि 100 दिनों में प्रदेश का कायाकल्प हो सके और सभी विभागों में बदलाव देखने को मिले। इस एक महीने के अंदर सीएम ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया, एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय करा। तमाम ऐसे कई फैसले लिए हैं सीएम योगी द्वारा, जिससे प्रदेश में बदलाव देखने को मिल सके। तो एक महीना पूरा हुआ है आज सीएम योगी के कार्यकाल को और एक महीने में कई बड़े फैसले लिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 100 दिनों का एजेंडा तय किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 100 दिनों के अंदर अपने अपने विभाग का खाका तैयार करें, किस तरह से काम करना है और 100 दिन के अंदर रिजल्ट भी देखने को मिले। साथ ही 2.0 में कई चीजें बदली हुई दिखाई दे रही हैं, जहां 100 दिनों का खाका तैयार करके एक प्रेजेंटेशन भी मांगी जा रही है हर एक विभाग से। सबसे पहला जो फैसला लिया गया था 2.0 कार्यकाल को संभालते हुए सीएम द्वारा, उसमें था मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाना। उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से पहले कार्यकाल की तरह सक्रिय हुआ। जिस तरह से महिलाओं के साथ शौर्य छेड़छाड़ करते हैं और उसमें रोकथाम के लिए महिला को सुरक्षा का आभास दिलाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से सक्रिय हुआ। तमाम ऐसे कार्य किए गए, फैसले किए गए, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके, महिला सुरक्षा पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके, अलग अलग विभागों को लेकर भी तमाम चीजों में सुधार लाने के लिए एक महीने के अंदर काम किया गया है। तो बहुत तेजी से एक्शन मोड में नजर आ रही है योगी सरकार। अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश भी दिया है कि हर एक जिले का दौरा करें, हर एक जिले में प्रवास करने के आदेश भी दिए हैं कैबिनेट मंत्रियों को। और इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, एक महीना आज पूरा हो गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के 2.0 कार्यकाल को, तो जिस तरह से पहला कार्यकाल हमने 5 साल का देखा, कई अहम फैसले लिए गए, दूसरा कार्यकाल भी देखा, पहला जो आदेश रहा वो था 3 महीने के लिए राशन बढ़ाना, इस एक महीने के अंदर ताबड़तोड़ बुलडोजर भी चले हैं माफियाओं पर, अपराधियों पर, और क्या कुछ निर्णय देखने को मिले सीएम योगी आदित्यनाथ के एक महीने के अंदर? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद जो दूसरी सरकार थी योगी सरकार 2.0 कहा गया, उसके एक महीना पूरे हो गए हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो 130 दिनों में जो कार्य किए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं विरोधियों को भी उन्होंने सबक सिखाया है, साथ ही साथ अपने कामों से। वहीं अगर बात करें तो उनके कामों से देश भर में उनकी चर्चाएं हो रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो कहा गया कि जो राशन योजना था उसको 3 महीना और आगे बढ़ाकर गरीबों को मुफ्त राशन 3 महीना आगे भी दिया जाएगा। उसी क्रम में आपको बता दें कि विगत 20 दिनों में अगर देखा जाए तो सैकड़ों से ऊपर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की बात की जाए और माफियाओं की जो जंगल में जमीनें थी, सरकारी जमीन या ऐसी जमीन जिसका नक्शा नहीं था और वो अवैध तरीके से निर्माण था, उसको गिराने का काम किया गया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से जब सरकार बनते ही मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि अपने विकास के कार्य का खाका 100 दिनों का तैयार करके उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए, उसी में आपने देखा कि 10 सेक्टरों में सभी विभागों के मंत्री अपने प्रेजेंटेशन को दिए और 100 दिन के खाके को तैयार किया। उसी क्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा कि आने वाले 6 महीने के भी खाके को जल्दी तैयार करके उनके सामने प्रस्तुतिकरण होगा। उसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही बोर्ड एग्जामों में बलिया में इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक के मामले आए, जिसमें उन्होंने बलिया के डीएम को तत्काल निलंबित किया। साथ ही साथ उनकी तरफ से ऐसे कई सारे फैसले किए गए जिससे उनकी तारीफ जो है वो देश भर में हो रही। वहीं आपको बता दें कि स्कूल चलो अभियान जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे साक्षरता की अगर बात की जाए, साक्षरता दर की, तो वो श्रावस्ती में थी, तो मुख्यमंत्री श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करते हैं और गरीब निर्धन बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें
एक जागरूकता अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करते हैं, जिससे गरीब के बच्चे वहां पढ़ सके। वहीं आपको बता दें कि 20 दिनों में 100 से अधिक अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाने के काम की अगर बात की जाए, वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि और सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो होमगार्ड विभाग में जो बड़े पदों पे है, चाहे बात की जाए तो जिन्हें अगर हम सेकेंड ग्रेड में रखें तो उनको पिस्टल दी जाएगी, तो यूपी पुलिस की तरफ से उन्हें पिस्टल दी जाएगी। साथ ही साथ आने वाली आगामी भर्तियों में 20% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाएंगी। वहीं अगर देखा जाए तो होमगार्ड को एंटी टेररिस्ट जो जीरो टॉलरेंस के तहत उनको ऐसे कई सारे प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे कि यूपी पुलिस की तरफ से काम कर सके। वहीं आपको बताएं कि इसको अगर देखें तो विभागों में सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे दिशा निर्देश दिए गए कि उन्हें ठीक 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना होगा। वहीं आपको बताएं कि मंत्रियों को कहा गया कि आप जाके निरीक्षण करें, विभाग के आला अफसरों को कहा गया कि आप निरीक्षण करें। साथ ही साथ लंच की जो टाइमिंग थी उसको निर्धारित करते हुए आधे घंटे के लंच का प्रावधान भी उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में किया गया, जो 1:30 बजे से 2 बजे तक सभी विभागों में लंच की टाइमिंग नियुक्त की गई। वही 9:30 बजे पहुंचने की क्रिया के साथ 9:30 बजे पहुंचने के साथ ही साथ निर्देश दिए गए कि उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में, खासकर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा सके, जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके कि कौन अगर बात किया गई कौन कर्मचारी किस समय आ रहा है और इसका क्या अगर देखें तो वो कितने घंटे स्कूल में व्यतीत कर रहा है, अपने काम अपने हाल अपने दफ्तर में कितने समय वो बिता रहा है। जिसका जी तो सख्त एक्शन लेते हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्यवाहियां भी चल रही हैं, बुलडोजर भी चल रहा है, महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था सभी तरफ ध्यान जा रहा है। अगर बात करी जाए गोरखपुर की तो गोरखपुर में जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरा कार्यकाल संभाला तो वहां पे गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से हमला हुआ था वहां पे तैनात सिपाहियों पर, तो उसको किस तरह से देखते हैं सीएम योगी के दूसरा कार्यकाल संभालते ही अपराधियों में कितनी दहशत है? जी आप शिखा देख सकती हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार जब शपथ लेते हैं तो विगत एक महीने में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे अपराधी जो तमाम संगीन धाराओं में लिप्त थे उनकी तरफ से दस्ती लेकर और आत्मसमर्पण किया गया और कहा गया कि हमें माफ कर दे, और वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजर कर सजा याफ्ता ऐसे कई सारे अपराधी जो कि फरार से जेल से और वही कुछ ऐसे जो अब तक गिरफ्त नहीं आ चुके थे उनकी तरफ से समर्पण करते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो उसको बेहतर बनाने के लिए इसी क्रम में ऐसे अपराधियों के अंदर खौफ डाला गया कि वो समर्पण करने लगे। वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो गोरखपुर मंदिर में सुरक्षा में चूक में आपने देखा कि मुर्तजा नाम का व्यक्ति वहां तैनात पुलिस जवान के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद योगी सरकार के तमाम जो अफसर थे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए। और साथ ही साथ मामले को अगर देखें तो तमाम एटीएस के जो अधिकारी थे उनके द्वारा तमाम ऐसे छानबीन की गई और तमाम ऐसे सूत्र निकाले गए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के गोरखनाथ मंदिर आवास एवं मुख्यमंत्री आवास से आपने देखा कि तमाम सुरक्षा की टुकड़ियों को बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो जनता दरबार लगाया जाता था उसको गोरखपुर से के साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास से भी जनता दरबार लगाया जा रहा है। उसी क्रम में अगर मुख्यमंत्री लखनऊ में नहीं मौजूद है तो अधिकारी एवं जो संबंधित विभाग के मंत्री या राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री या उनके निगरानी में समस्याओं को सुनकर उसके निदान के काम किया जाएगा। वही आपको बताना चाहेंगे शिखा की योगी सरकार की तरफ से जी जनता दरबार के कार्यक्रम में भी कुछ चेंजेस किए गए ताकि जनता को अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाने के लिए किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विभांशियों और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विभांशियों जुड़े थे। तो 100 दिन का खाका तैयार करना हो या फिर जनता दरबार हो, क्योंकि पहले जब भी गोरखपुर जाते थे सीएम योगी आदित्यनाथ तो वहां पर जनता दरबार लगता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सीएम कहीं भी होंगे लेकिन जनता दरबार लगेगा। लखनऊ में सीएम मौजूद है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की परेशानियां सुनेंगे, वरना उनके अधीनस्थ उनके जनता दरबार में मौजूद रह के जो लोग हैं, जो फरियादी है उनकी फरियाद को सुनेंगे और उसका निस्तारण करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो जनता से लेकर बड़े अधिकारियों तक सभी के ऊपर अपनी नजर रख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हर एक विभाग का
बारीकी से ध्यान दे रहे हैं और हर एक छोटी बड़ी कमी पे नजर रख रहे हैं। सभी कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश भी करी जा रही है। अगर एक महीने की बात करी जाए तो काफी एक्शन मोड में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, वो चाहे विभाग हो या फिर जनता की परेशानियों को दूर करना हो। रुक करते अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना के मामलों में फिर से एक बार बढ़ोतरी शुरू हो गई है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि बीते 24 घंटे के दौरान यूपी में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान राज्य में 2 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। इसके अलावा आगरा में 15, लखनऊ में 10 और मेरठ में 8 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए भी राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इससे लोगों की जो चिंता है एक बार फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि अभी पटरी पर पहुंची ही थी, रफ्तार पकड़ी ही थी जिंदगी ने, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आई थी, लोगों का जीवन भी सामान्य हुआ था, एक बार फिर कोरोना का ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। तो यूपी में भी कोरोना की दस्तक हो गई है, जहां अभी दिल्ली से जुड़े नोएडा गाजियाबाद में कोरोना के मामले देखने को मिल रहे थे। और इस बार सबसे डराने वाली बात ये रही कि बच्चे भी अब कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई गंभीर मामला देखने को नहीं मिला है, ये राहत भरी खबर है, लेकिन बच्चे जब संक्रमित हो रहे हैं तो उनके परिवार और माता पिता काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की वैक्सीन भी नहीं है। अभी से 15+ का वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन सबसे अहम प्रक्रिया है कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत देती है। और अभी छोटे बच्चों को कोविड वैक्सीन नहीं लगी है, इसको देखते हुए परिजन भी परेशान है। तो वहीं अब कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है और आज ही ये खबर सामने आई कि लखनऊ में भी, लखनऊ के स्कूल लामाठियन में 2 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गाजियाबाद से प्रवीण जुड़ चुके हैं और लखनऊ से अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, आज ही लखनऊ से 2 मामले सामने आए हैं, एक स्कूल में 2 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं, यानी कोरोना अपने पैर पसार रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल शिखा, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और वहीं तो चौथी लहर की जो आशंका है उसने कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पे है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बीते 24 घंटे में लगभग 213 मामले सामने आए हैं, जिसमें लगभग 10 मामले राजधानी लखनऊ में है, 8 मामले मेरठ में और 15 मामले आगरा में आए हैं। और वहीं बात की जाए अगर कल की, तो अब स्कूल जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के स्कूल थे वहां पे कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा था, और वहीं अब बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर लामाटीनियर स्कूल में कल 2 पेशेंट सामने आए, 2 जो बच्चे हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जो क्लास 2nd और क्लास 6 के जो बच्चे हैं। और उसके बाद 2 दिन के लिए जो स्कूल है वो बंद कर दिया गया है और साथ ही उनके घर वाले जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं अब जो कोरोना के मामले हैं वो राजधानी लखनऊ में भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो मृत्यु दर है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन संक्रमण जरूर तेजी से फैल रहा है। जिस तरीके से कोरोना की थर्ड वेव में हमने देखा संक्रमण फैला, लेकिन फिलहाल जो लक्षण थे वो इतने ज्यादा गंभीर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का भी साफ तौर से ये कहना है, जो ये चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, अगर ये चौथी लहर होगी भी तो फिलहाल इतने ज्यादा जो संक्रमण है वो तो जरूर फैलेगा, लेकिन फिलहाल इतने ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं होंगे। जी जी प्रवीण, अगर बात करी जाए गाजियाबाद की, तो बीते 24 घंटे में कितने मामले सामने आए, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा, गाजियाबाद में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, 24 घंटे में कितने मामले देखने को मिले? देखिए शिखा, बता दूं, बात की जाए अगर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में लगातार कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर बच्चों में जो संक्रमण है इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है संक्रमण का। खासतौर पर अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में अब तक 24 घंटे के अंदर में जो एक्टिव केसेस नजर आ रहे हैं इस समय 420 केसेस नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर अभी तक कोई भी किसी व्यक्ति की अभी तक कोरोना के अंदर में कोई भी जान हानि की कोई नहीं आई है। जी अगर बात करी जाए इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, तो जिस तरह से काफी समय तक कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रही, अब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई, क्या एक बार फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाएगा? प्रवीण, बच्चों में जिस तरह से कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, क्या स्कूलों पर भी खतरा है एक बार फिर वर्चुअल माध्यम से स्कूल चलाए जाएंगे? जी बिल्कुल, खासतौर पर देखा जाए अगर जिस तरह से जो कोरोना के केसेस खासतौर पर जो स्कूलों से निकलकर बाहर आए हैं,
और WHO की बात की जाए तो WHO ने आशंका भी जताई थी कि चौथी लहर आने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ती है अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं करता है। खासतौर पर बच्चों की जो वैक्सीनेशन शुरू हुई है उसमें भी काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और खासतौर पर अगर जो दिल्ली से सटा गाजियाबाद नोएडा है तो दिल्ली में जिस तरह से एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से जो फ्लाइटें चालू कर दी गई है, तो वही कोरोना बम आगरा में भी देखने को मिला है कल। क्योंकि 24 घंटे में लगातार जो सैलानी है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, कई बाहर कंट्री से आते हैं, बाहर से लोग, तो खासतौर पे उनमें भी, खासतौर पे जो बाहर के लोग हैं उनमें भी कोरोना संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है। जी जी अजहर, अगर बात करी जाए विदेशी वेरिएंट की तो लोगों के जरिए भारत में भी एंट्री कर सकता है, एक बार फिर से इस पे लगाम लगाने की तो जरूरत है ही, साथ ही यूपी सरकार ने जो कुछ निर्देश दिए उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से कोरोना की थर्ड वेव में हमने देखा जो वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, लेकिन अब वो अपना म्यूटेंट चेंज करके जो नया वेरिएंट है, जो फोर्थ वेव का वेरिएंट है, वो XE वेरिएंट है, लेकिन वो फिलहाल इतना ज्यादा खतरनाक नहीं, उसका संक्रमण दर तो जरूर ज्यादा है लेकिन उसमें इतने ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो जारी की है, स्कूल के लिए अलग गाइडलाइंस जारी की है, और मास्क सभी सार्वजनिक जगहों पे मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, और वहीं स्कूल की अगर बात की जाए तो जो बच्चे हैं वो मास्क और सैनिटाइजर के साथ स्कूल में एंट्री करें, जो अभिभावक है वो मास्क का प्रयोग करें, और जो शिक्षक हैं, जो क्लास में शिक्षक हैं, वो भी पूरी तरह से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और इसके अलावा अगर अभी फिलहाल जो स्कूल में अगर संक्रमण फैलता है, किसी भी स्कूल में अगर कोई भी बच्चा संक्रमित होता है तो पूरा स्कूल बंद करने की बात अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं कही है, और अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो वो बंद कर सकता है, लेकिन फिलहाल उस क्लास में या उस हॉल को सील्ड कर दिया जाए, लेकिन पूरा स्कूल बंद करने की जो आदेश है वो है, और वर्चुअल क्लासेस की अभी जो स्थिति है वो पैदा नहीं हुई है, फिलहाल इतने ज्यादा केसेस नहीं है। और खास तौर पर शिखा, जिस तरीके से आपने बताया जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 12 से 14 साल के बच्चों को लगभग वैक्सीनेशन हो गया है और पहला डोज तो लग ही गया है, और वही बात की है 12 साल से कम उम्र के आयु के बच्चों की, तो ज्यादा खतरा उन्हें है क्योंकि फिलहाल वो अभी वैक्सीनेटेड नहीं है, लेकिन उन्हें भी इतना ज्यादा खतरा नहीं है, वो संक्रमित जरूर हो सकते हैं लेकिन फिलहाल उतने गंभीर लक्षण उनमें नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी की अगर बात की जाए तो वो काफी स्ट्रांग होती है। जी बिल्कुल प्रवीण, आने वाले समय में त्योहार भी है, कोविड के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है लोगों को? देखिए शिखा, आपको बता दूं इस समय पर जो प्रधानमंत्री के भी एक अभी थोड़ी देर में शायद बैठक होने वाली है, सभी जिले के जितने भी प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्रियों से उनकी वर्चुअल बैठक भी होगी, खासतौर पे ये कोविड को लेकर खासतौर पे जो बैठक बुलाई गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस चीजों को देख रहे हैं कि जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खासतौर पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अब लगातार कोरोना बम जो है वो लगातार फूट रहा है, लोगों के अंदर ज्यादा बढ़ चढ़ के कोरोना के जो संक्रमण है वो निकल कर आ रहे हैं, और खासतौर पर बात की जाए तो कुछ जिलों में कुछ ऐसे नियम भी बना दिए गए हैं कि मास्क बहुत जरूरी है, खासतौर पर जो सार्वजनिक जगह है वहां पर DM ने और वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने खासतौर पर यहाँ पर नियम भी लागू कर दिए हैं, लेकिन हाँ अगर जो कोरोना के केस में अगर किसी तरह से रोकथाम नहीं होता है तो ये 2019 में जो 2021 में हमने दौर देखा है वो दौर भी हमको शायद हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो रहे, खासतौर पर कई दुकानदार हैं जो वहाँ बिक्री करते हैं, कई ग्राहक हैं जो आते हैं बिना मास्क के वहाँ खरीदारी करते हैं, खासतौर पे उनको भी जताया जाता है कि आप लोग मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, खासतौर पे हमने जब रियलिटी चेक करी है दुकानदारों की खासतौर पे तो वहां पर भी उन लोगों के पास ना ही सैनिटाइजर है ना ही उनको मास्क के लिए चेताया जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा और लखनऊ से संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में त्योहार भी है, सरकार भी सख्त नजर आ रही है कोरोना के मामलों को देखते हुए, बच्चे भी संक्रमित तो हो रहे हैं, वो चाहे छोटी क्लास के हों या बड़ी क्लास के हों, बड़ी क्लास के बच्चों का लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है, छोटे बच्चों की अभी वैक्सीन ही नहीं आई है, इस वजह से परिजन काफी परेशान हैं। हालांकि बच्चे जिन्होंने कोरोना के कहर को काफी करीब से देखा है, अपने बड़ों को देखा है कि किस तरह से मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलते हैं, तो बच्चों में एक अच्छी आदत होती है कि वो चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो बच्चों में मास्क की
जो आदत है वो बन गई है, लेकिन अगर बड़े भी लापरवाही करते हैं तो उसको देखते हुए बच्चे भी लापरवाही की आदत को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो बड़ों को जागरूक रहने की जरूरत है, अपने बच्चों को भी मास्क के प्रति जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि मास्क ही एकमात्र उपाय है जिससे हम कोविड से बच सकते हैं, सैनिटाइजर जिसका प्रयोग करते हुए हम बच सकते हैं, और बच्चों को भी इस आदत को देने की जरूरत है ताकि बच्चे बच सके, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, छोटे होते हैं, नादान होते हैं, और बच्चों को ही जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्कूलों में बच्चे अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ नहीं होते हैं, तो वहां पे शिक्षकों का भी दायित्व है कि वो उन पे ध्यान दें ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से बच्चे बच सके, क्योंकि एक बार बहुत लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं और एक बार फिर स्कूलों पे पढ़ाई पे संकट आ गया है। वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई तो हुई इन कोरोना काल में, लेकिन उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। और इस खबर पे अब हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए आगरा से संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, लगातार आगरा में जो सैलानी हैं वो आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, कोरोना का प्रसार देखने को मिल रहा है आगरा में भी, किस तरह से देख रहे हैं, कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं? शिखा, मैं आपको बता दूं कि ताजनगरी आगरा में पिछले 24 घंटे में 15 कोरोना के एक्टिव केस नए मिले हैं, और सक्रिय केसों की अगर हम बात करें तो 34 सक्रिय केस भी हो गए हैं। कोरोना बड़ी स्पीड के संग आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है। हालांकि हम पिछले थर्ड वाली वेव की बात कर रहे हैं तो थर्ड वाली वेव में भी काफी बड़ी संख्या में कोरोना ने अपना कहर बरपाया था, और अगर हम फोर्थ वाली वेव की बात कर रहे हैं तो फोर्थ वाली वेव में भी कोरोना बड़ी स्पीड के साथ बढ़ रहा है। जो WHO ने फोर्थ वाली वेव के संकेत दिए थे, वही देखने को भी मिल रहा है कि कोरोना बड़ी स्पीड के संग फैल रहा है। अगर बात करी जाए एयरपोर्ट्स की, रेलवे स्टेशंस की, तो वहां पे क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या प्रॉपर चेकिंग हो रही है आने जाने वाले लोगों की? जी बिल्कुल, आगरा कैंट, आगरा छापनी है, वहां पर अगर हम बात करें तो आगरा कैंट पर अगर रेलवे स्टेशन है, वहां पर सभी आने जाने वाले यात्रियों के ऊपर पूरी चेकिंग की जा रही है और थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। जी जिशान, जो लोग विदेश से आ रहे हैं, क्या उनकी कोरोना रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है आगरा में या नहीं इस वक्त? अभी CMO की तरफ से कोरोना की कोई ऐसी गाइडलाइन सामने नहीं आई है। जी 15 एक्टिव निकले हैं, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हड़कंप में तो मचाए, लेकिन अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। जो विदेश से सैलानी आते हैं उनकी ये कोई गाइडलाइन सामने अभी नहीं आ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता जिशान जुड़े थे आगरा से। तो आगरा में भी लगातार कोरोना विस्फोट देखने को मिला है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अगर बात करी जाए देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के सटे हुए गाजियाबाद, नोएडा में भी मामले देखने को मिले। आगरा में जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है ताज नगरी आगरा, वहां पे भी कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, और अब कोरोना के मामले लखनऊ में भी पहुंच गए हैं, स्कूली छात्र तक भी पहुंच गए हैं, और अब इससे बचने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करने की, कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत है। फिलहाल खबरों में इतना ही, तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।